सतगुरु स्वरूप साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बीबी राजेंद्र कौर जी, इस्त्री अकाली दल दे प्रधान ने, वो जांदे जांदे एक गुरबाणी दी तुक पढ़ के गए ने, राज ना चाहूं मुक्त ना चाहूं। ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन का इजलास है। जे सिखां कोले राज ना होवे ता सिख दी कीमत पिंजरे दे पंछी नालों वधेरे नहीं। जे सिखां दा राज ना हुंदा श्री दरबार साहब दी सुंदरता संसार दे सामने ना आउंदी। श्री ननकाणा साहब दे संबंध विच जद शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह पहली बार ननकाणा साहब गए, उत्थे एक पुजारी मिलिया उन्होंने, ता महाराजा रणजीत सिंह ने पूछया कि कोई दीवा नहीं है, कोई रोशनी नहीं है जिस गुरु नानक दी बदौलत इस रणजीत सिंह नू राज मिलिया है, की कारण है इत्थे। उसने कहा कि मैं बड़ा गरीब आदमी हाँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं कि मैं तेल लिया सका, कोई दीवा खरीद सका। महाराजा रणजीत सिंह ने अपना घोड़ा दिता उसनू के सिंह जी ऐस घोड़े ते बैठ के जेड़ा शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दा घोड़ा है, तू ननकाणा साहब दी जूझ जिन्नी दूर जा सकदा चलिया जा, जिन्ने पिंड रोक ले, जिन्ने जमीन रोक ले, ओ मेरे गुरु नानक पातशाह दे इस मंदिर दी जागीर बनणगे। जे सिखां विच राज दी गल नहीं चलनी ता हिंदुस्तान दे पिंजरे च इन्हां बच्चियां ने आउण वाले समय अंदर पंछियां दी तरह तड़फ तड़फ के मरना है। एक गल समझ ले कौम भी के नौजवानां नूं सद्या, उन्होंने गल कीती है इत्थे, हर बुलारा फेडरेशन दे लीडर ए गल कह के गल आरंभ करदे रहे ने, राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई। एक जे 900 साल गुलाम रहने वाली हिंदू कौम सैकड़े सदियां तो बाद राज दी गल कर सकती है। 97 वरे सिख हिंदुस्तान च गुलाम रहे, ए आजादी दी गल क्यों नहीं कर सकते? किथे बंदिश है सिखां लई? जे राज भैड़ी गल सी तां रणजीत सिंह नूं राज करन दी लोड़ नहीं सी। जे राज भैड़ी गल सी हरमंदर साहब दे मुकाबले ते श्री अकाल तख्त साहब दी सिरजना नहीं सी हो सकदी। जे महज धर्म दी गल नाल गल चलदी हुंदी तां फेर इह दोहरा सामने नहीं सी आउंदा। श्री मुखवाद भन्यो गरीब नवाज, शस्त्रन के अधीन है राज, राज बिना न धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले है। राज दी गल करन लई जे अकाल तख्त दी ताबिया पंथ कठा होवे तां बाबा बंदा बहादुर ने राज दी गल कीती, और गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने आनंदपुर दे किले सिखां नूं कहा कि जे थोड़ी देर अटक जाओ खालसा जी मैं सृष्टि दा राज देंगा। राज कौमां दी जिंद जान होया करदा है, बशर्ते के राज धर्म दा राज होवे। अज सिखां विच रोह भी है और गुस्सा भी है, किसे ऐसे मनुख दी चोण होई ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन दे प्रधान पदवी लई जिसने समय दी सरकार दे जुल्म नूं एक बुढ़े बुजुर्ग नाल बैठ के अपनियां अखां दे सामने एक दूजे दा जुल्म वेख्या। राज दी गल क्यों ना करिए? असीं माला फड़ के हिंदुस्तान दे किसे मठ दे पुजारी नहीं बनना चाहुंदे। हिंदुस्तान च हिंदू ने राज करना है, सिख पंजाब विच राज करनगे। गुरु कलगी वाले पातशाह ने शब्द पढ़ो उन्हां दा, उन्हां ने कहा खालसा मेरो सब जन सूरा, खालसा मेरो सतगुरु पूरा। जे खालसा पूरा सतगुरु है वह हिंदुस्तान दे हिंदू दा गुलाम नहीं रह सकता, ते यहां खालसे और सतगुरु दा कोई रिश्ता नहीं है। संगत दे सामने
कोई ऐसी तुक जिदा अर्थ गलत निकल रहा होवे के राज ना चाहूं मुक्त ना चाहूं। सिख राज भी चाहते ने सिख मुक्ति भी चाहते ने, लेकिन गुरु दे ओट आसरे दे अधीन चाहते ने। जे राज ना हुंदा हरमंदर साहब दी पवित्र इमारत निक्कियां निक्कियां इट्टां दी इमारत हुंदी। हिंदुस्तान दे हुक्मरान ने यह दसण लई कि हुक्मरान है, उन्हें सरदार गुरचरण सिंह टौड़ा प्रधान श्रोमणी कमेटी नूं लिखिया कि दसो खालसा जी तुहाडे कोल सोना किन्ना है। तुहाडा राज आया तुसियां निक्कियां इट्टां ने मंदिर ते सोना चढ़ाया, लेकिन जद हिंदुस्तान दा 1000 साल गुलामी सहन वाला हिंदू हिंदुस्तान दा हुक्मरान बनिया, उन्हें तुहाडे सोने दा हिसाब पुछिया। मुरारजी देसाई हिंदुस्तान दा प्रधानमंत्री बनिया, उन्हें दर्शनी द्यूड़ी दे दरवाजे निगाह टकई और चिट्ठी लिख के कहा यह सोमनाथ के मंदिर के दरवाजे ने, इन्हों उतार के सोमनाथ भेजा जाना चाहिए। ये राज दे करिश्मे ने के बुजदलां और कैदां कोले राज आया, उन्हें सोने का हिसाब पूछे। उन्हां कोले राज आवे ओ दर्शनी द्यूड़ी के दरवाजे से निगाह टकाउण, उन्हां दे निगाह तुहाडियां दाड़ियां ते, उन्हां दी निगाह तुहाडे चेहरियां मोहरियां ते, उन्हां दी निगाह तुहाडियां बच्चियां ते, उन्हां दी निगाह सिखी सिद्धांत ते के यहां सिख रहेगा यह हिंदुस्तान का हिंदू हुक्मरान रहेगा। जे तुसी इजलास बुलाया ए गल कोई माड़ी नहीं, जे गुरु ग्रंथ साहब दी हजूरी च तुसी दोहरा पढ़दे हो राज करेगा खालसा, एक ते पढ़न लई पढ़िया जांदा है। जे सिखां विच राज दी भावना नूं उजागर ना करना हुंदा दुनिया दी किसे कौम कोले एक मंदिर भी तख्त दी शक्ल विच नहीं है। दुनिया दी कोई कौम दसो, लेकिन सिख कौम है जे इत्थे आउंदी है ओ श्री अकाल तख्त साहब दे सामने हाजर हुंदी है। जे ओ दक्कण च जाए ओ तख्त श्री पटना साहब दे दस्तखत दर्शन करदी है। ओ बिहार च जाए पटना साहब और दक्कण च जाए श्री हजूर साहब, मालवे च जाओ तख्त श्री दमदमा साहब। तुसी जिधर जाओ गुरु गोबिंद सिंह तुहाडे पिछे पिछे है, तुहानू याद कराउंदे ने कि मैं तुहानू तख्त दे मालक बनाया, लेकिन हिंदुस्तान दे ब्राह्मणवाद दे पिंजरे च 30 साल सिखा ने पिंजरे च बैठ के चूरी खाधी और 30 साल मतवातर इन्हां ने अपने आप नू केशाधारी हिंदू हिंदुस्तान दी विधान दी धारा 25 दे अधीन अपने आप नू केशाधारी हिंदू बनाया। मुकदमे बनदे ने भाई अमरीक सिंह दे बने ने, मेरे दे बने ने, लेकिन मैं एक गल साफ कहना चाहुंना कि हिंदुस्तान दी सरकार नू समझो जे हिंदुस्तान विच रहना है। कोई हिंदुस्तान दी तकसीम नहीं चाहुंदे, कोई हिंदुस्तान दी वंडी नहीं चाहुंदे, लेकिन हिंदुस्तान दा हुक्मरान चाहुंदा है कि तुहाडे चेहरे नालों तुहाडा दाड़ा अलहदा कर दिता जाए। हिंदुस्तान दा हिंदू हुक्मरान चाहुंदा है कि सिख दा अमृत च विश्वास ना रहे, लेकिन तुसी की चाहुंदे हो? तुसी आओ और एडे परे इजलास विच कौम नूं आपां इह गल कह दईए कि राज साडी भावना नहीं, फिर असी किसे गोरखनाथ दे टिले दे पुजारी नहीं हां कि हिंदुस्तान दी धरती ते अपने आप नूं गुलाम बना के रखना है। जे दोहरा पढ़दे हां तां हिंदुस्तान दे इस खित्ते विच असी अमृत धारियां दी सरकार चाहुंदे हां। जे जुल्म अमृत धारियां ने सहना है, जे बंद बंद अमृत धारियां ने अपना कटाउणा है, जे बुढ़िया मावां ने अपने पुत्रां दीआं लाशां नूं पंजाब दी धरती ते अपनियां झोलियां च पवाउणा है, ते फिर पंजाब दी धरती ते राज किसे खदरधारी दा नहीं हो सकदा, किसे निकरधारी दा नहीं हो सकदा, फिर पंजाब ते राज होएगा अमृत धारियां दा। हिंदुस्तान दी सरकार करे, उन्हें राज वोटां राही देना है, उन्हें राज ताकत राही देना है। तुसी हिंदुस्तान नूं समझण दी गल करनी, 1846 च अंग्रेज ने लिखिया सी कि जिन्नी देर सिख सरदारां दे सिरां नूं घोड़ियां दा सुम्मा हेठ ना रौंदिया गया अंग्रेज दा राज हिंदुस्तान च नहीं हो सकदा। 1946 च 100 साल बाद सरदार पटेल ने इहो गल कही कि सिख जुराइम पेशा लोकां दी कौम ने। यह फैसला तुसी करो कि जुराइम पेशा लोक हो कि तुसी देश भगत हो, तुसी सर्टिफिकेट लई फिरदे हो, असी देश लई दी अन्न पैदा करदे हां, करी जाओ भाई। तुसी देश दे चौकीदार हो, चौकीदारां नूं तुसी पिंड च पंच नहीं बनाउंदे, हिंदुस्तान तुहानूं पंजाब दे हुक्मरान किवें बनाएगा? दुनिया दी किसे कौम नूं जेड़ी अपनी डिक्शनरी दी चौकीदारां दे अखर भर्ती कर ले, जेड़ी कौम अपने आप नूं वड्डियां सेवादारां दी गिणती च करे,
खालसे का शब्द, खालसा शब्द का अर्थ है हुक्मरान। तुसी महकूम बने 97 साल, लेकिन 9 सदियां गुलामी दिया जजीरां पैर के जिदी पगड़ी बनना कानून मुताबिक जुर्म सी, जिनू पैरी जुत्ती पाउणा जुर्म सी, जिनू गल विच जनेऊ पहन के चलना जुर्म सी, जिनू अपनी बेटी दी शादी दिन दिहाड़े करनी जुर्म सी, ओ यार ओ लोग हिंदुस्तान दे हुक्मरान बने। लेकिन कुर्बानियां देने वाले भाई अमरीक सिंह वर्गे सिंह 35 साल दी जर्जरी सोचनी ने सिखां नूं उत्थे लिया के खड़ा करता जिथे सिखां नूं सोचना पै रहा है कि सिख हुण जाण दा जाण किधर। महाराजा रणजीत सिंह तों बाद आओ तस्वीर लगी है तुहाडे हाल विच शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दी। जे तस्वीरां देखण दा सुभाव पाउणा है तां इस कौम दी किस्मत नूं कोई नहीं बना सकदा, लेकिन जे तस्वीरां दे रूप विच पंजाब दी धरती ते तुसी हुकूमत करनी है इन्हां तस्वीरां दा तां कोई लाभ है। जे हुक्मरान ना बने, धर्म दे राज दी स्थापना ना कीती, ऐस सोने दे मंदर दा सोना हिंदुस्तान दा ब्राह्मण उतारेगा। मैं तुहानू कोई गल वधा करा के नहीं कह रहा, मैं असलियत कह रहा। 1746 च सिख शहीद हुंदा रहा, 1846 च सिख शहीद हुंदा रहा, 1946 च सिख शहीद होया, अज फिर सारी कौम शहीद हो रही है। आ सरोपा किन्हां नूं दित्ते? ये अपना काम केवल शहीद कराउणा है या शहीदां दी शहादत दी कीमत हिंदुस्तान दी सरकार तों वसूलनी है? अज दे इस दिन ते मैं इस गल्लों खुश हां कि एक ऐसा गभरू जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्र दे रूप विच कदे सरहंद दीआं दीवारां च चिणिया जांदा है, किते चमकौर दी गढ़ी शहीद हुंदा है, लेकिन गुस्सा आउंदा है जे कोई बाप पुत्र नूं युद्ध भूमि च तोरे। इत्थे गल होई भाई अमरीक सिंह दे संबंध विच कि जदों संतां ने ऐलान कीता भाई अमरीक सिंह लई सिख हो है जिहड़ा गुरु वांगू चले, गुरु गोबिंद सिंह साहब ने वड्डे साहिबजादे नूं चमकौर दी गढ़ी चों तोरिया, लेकिन कोई तीर सतगुरु ने पहली वेर नहीं चलाया। जदों छोटा साहिबजादा चलिया सतगुरु ने गुरोह विच आ के एक तीर मुगल फौजां दे छड्डिया, ये दसण लई कि चमकौर दी गढ़ी च अजे गुरु गोबिंद सिंह जिंदा बैठा है। जे तुसी जिंदा हो, मुर्दा नहीं, हिंदुस्तान नूं दसना पएगा कि असी मंजी साहब दे दीवान हाल विच अज तुहाडे नाल एक गल करनी चाहुंदे आ कि हिंदुस्तान ते राज करो, जम जम करो। इंदिरा गांधी करे, ओहदा पुत्र करे, पोतरा करे, लेकिन असी जमुना तों अगले हिस्से दे पंजाबी बोलदे इलाके लै के बीबी जे गिणती दे आधार ते असी राज करना है, 500 साल सिख राज नहीं कर सकदे, सिख कदे राज नहीं कर सकणगे। ये गल समझ लेनी, जदों 62% सी राज उदों ना होया, जदों 52 होए राज उदों नहीं होया, आउंदे 1991 च तुहाडी गिणती 42% रह जानी है, फिर राज देण तुहानूं कौन आएगा? बिन बल को राज न दै है, जो लै है निज बल से लै है। जे गुरु गोबिंद सिंह दे संत हरचंद सिंह जी लौंगोवाल प्रधान श्रोमणी अकाली दल इत्थे सुशोभित ने, उन्होंने एक दीवान विच कहा सी कि मैं तुहाडे हिरदे दीआं भावनावां नूं समझदा, ते मेरे हिरदे विच भी है कि मैं तुहाडे हिरदे दी गुप्त गल दे आधार ते ऐसे राज दी सिरजना करा जिहो रे जे राज दी तस्वीर ओह साडे सामने लगी हुई है। ए गल संत हरचंद सिंह जी लौंगोवाल प्रधान श्रोमणी अकाली दल ने कही। कौम दे तन भाग ने, दो महात्मा ने, लेकिन इत्थे जनरल जसवंत सिंह भुल्लर बैठे ने, बड़े खुश होए जदों उन्हां नूं सरोपा मिलिया। मैं कहा पंथ दा सरोपा केसरी जरूर है, जिन्नी इहदी लंबाई हुंदी है उन्ने साल जेल कटणी पैंदी है, ये समझ लेना। पंथ दा सरोप प्राप्त करना, पंथ कोलो किसे तुसी हे चलण दे सदे नूं प्रवान करना है। इस कौम दे सरोप दी कीमत बड़ी वखरी है। जे कीमत पुछनी है भाई अमरीक सिंह नूं पुछो, कीमत पुछनी है बाबा ठारा सिंह नूं पुछो, कीमत पुछनी है उन्हां शहीद परिवारां दीआं बच्चियां नूं पुछो जिन्हां ने हवालातां च बाप नाल बेटी नूं पा दिता गया, सहुरे नाल नूंह नूं पा दिता गया,
जिन्हों बच्चों ने पट चीर के नून भर दिता गया। असी हिंदुस्तान का कोई ठेका नहीं चकिया, फिक्रमंद नहीं। सारे कबाल दा सरकारी शेर पढ़ते ने, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। लेकिन सारे कबाल दी ओ लाइन भूल गए जेड़ी सारे कबाल ने जदों पाकिस्तान दी मंग की थी, उन्हें क्या शर्म आती है हमें अब इसको वतन कहते हुए। ये सारे कबाल दी लाइन है। जे तुसी दुनिया दे इतिहास नू पढ़ने, जेड़ियां कौमां राज दे योग नहीं रहिंदियां, जिन्हां कौमां दी जुबान ते धर्म दा राज नहीं आउंदा, उन्हां कौमां दी कोई थां नहीं हिंदुस्तान च। इत्थे जैन मत गर्क होया, इत्थे बुद्ध मत गर्क होया, तुहाडे मत दे दुआले हिंदुस्तान दा 70 करोड़ आदम खड़ा है। इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब जी दीआं सेंचियां दी बेअदबी, इत्थे धर्म प्रचार दीआं गड्डियां तिन दिहाड़े अग लाउंदी आ सरकार, इत्थे इंदौर विच गुरुद्वारा इमली साहिब दी बेपती गुरु की गोलक गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सामने तोड़ी जांदी है, 1500 CRP दा सिपाही दण दणा के सड़े जुतियां दरबार साहब दाखिल हुंदा है। परख होगी हिंदुस्तान च। लेकिन एक गल बड़ी साफ ते बड़ी स्पष्ट है, समझ लेना, हिंदुस्तान दी सरकार दी अख है दो गल्लां ते। एक गल स्पष्ट कर गए जथेदार जगदेव सिंह तलवंडी के दुनिया की कोई ताकत सिख लीडरशिप दे विचाले कोई कंध नहीं कढ सकदी। दूजी अख है संत जरनैल सिंह पिंडरांवाले दी जिंदगी ते। मेरी गल भुलना ना, मैं तुहानू संगत च कहना, उन्होंने मुकदमा बना के मैनू कागज भेजे, एक मुकदमे की धारा 153 है। वह है संत जी ने एक बयान दिता, धारा मेरे ते है कि बयान छपिया, मैं क्या भी मैं छापिया। जे मैनू अदालत च भी पूछा गया तो मैं जज नू भी यह सवाल करना कि जे 70 करोड़ हिंदुओं नू राज करन दा अधिकार है, पंजाब च 70 लाख सिखां दा अधिकार कौन खो सकदा है। यह गल्लां एक दिन होनिया ने। आनंदपुर का प्रस्ताव जिहदी तुसीं बारी बारी गल कीती, आनंदपुर के प्रस्ताव विच साफ है राजसी संविधान की सिरजना प्राप्ति। श्रोमणी अकाली दल के विधान की धारा आड़ा बड़ी स्पष्ट है, राजसी संविधान की सिरजना प्राप्ति श्रोमणी अकाली दल के बुनियादी ढांचे की नहीं है। पोलीटिकल कॉन्स्टिट्यूशन चाहती है सिख कौम। अकाली दल के विधान के मुताबिक जे अकाली दल हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन ने राजनीतिक पार्टी मने है तो फिर हिंदुस्तान की सरकार ने यह भी मने है कि अकालिया राजसी संविधान की आग्ञा देनी पड़ेगी। अज तुसी आए हो एक लाइन कह के मैं अपने विचार सीमित करना कि नौजवान बच्चे आए ने उन्होंने मैं हाथ जोड़ के एक गल कहनी चाहना कि बुढ़े ठेरे मनुख मंजिया ते बह के कुर्सियां ते बह के नंबरदारियां नू प्राप्त करके जीना चाहते होंगे ने बुढ़े ठेरे मनुख। लेकिन इन्हां दी सोचनी सिखां दी कौम दे भविख नू साड़ के सवाह करदी होवे, ऐसे बुढ़े ठेरे मनुखां नू पंजाब दे सिख कौम दीआं मंजिया तो उठाओ। जे सिख कौम दे भविख नू तुसी 2-4 साल विच ना सांभ सके, कोई दुनिया की ताकत इन्हां मंदरां दी पवित्रता नू कायम नहीं रख सकेगी। सो अंत विच मैं तुहानू हाथ जोड़ के बेनती करना चाहना कि मैं भाई अमरीक सिंह जी नू मुबारकबाद दिना, जथेदार जगदेव सिंह जी तलवंडी, संत हरचंद सिंह जी लौंगोवाल, संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरांवाले, जिन्हां ने किसे मां वांगू हर पुत नू जगाउण दी कोशिश कीती कि पुत्र तेरे घर ते डाका पैण वाला है। मावां पुत्रां नू समझाउंदियां ने कि तेरे बाप दी परे च पग लथी सी, पुत्रा तू मेरा खून तां है जे परे च बापू दी लथी पग दा बदला लै। साडे हर बजुर्ग दी पग लथी है, साडी हर भैण दी पत लुटी गई है, साडे हर बच्चे नू कतल कीता गया है, लेकिन गुनाह सिखां दा कोई नहीं। इन्हां गुनाहां दे अवज़ाने च हिंदुस्तान दी सरकार फैसला अज करे, हिंदुस्तान दी सरकार फैसला कल करे। लेकिन जिन्ने देर अकाली लीडरां दी जुबान चों, पंथ दे लीडरां दी जुबान चों राज करेगा खालसा दी गल ना निकली, खालसे दी कोई गल हिंदुस्तान च नहीं चलनी। इन्नियां गल्लां कह के मैं मंगदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। भाई अमरीक सिंह जी, सरदार भरपूर सिंह जी बलबीर का सम्मान करने